क्वेश्चन नंबर वन, अडानी पावर प्लांट झारखंड के किस जिले में बनाया गया है? सही उत्तर होगा गोड्डा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी पावर प्लांट में कितने मेगावाट की बिजली उत्पादन होगी? सही आंसर है 1600 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के राजपथ का नया नाम क्या रखा गया है? आंसर होगा कर्तव्य पथ। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक राज करने वाली शाही शख्सियत एलिजाबेथ कहाँ की महारानी थी? राइट आंसर होगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की महारानी की मृत्यु के बाद अब अगले सम्राट कौन बनेंगे? सही आंसर होगा महाराजा चार्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख नाक के जरिए दिए जाने वाली भारत की पहली कोरोना वैक्सीन नेजल स्प्रे को किसने बनाया है? सही उत्तर होगा हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने ज्वार के तने से निकले रस से कौन सा उत्पाद बनाया है? सही उत्तर होगा शहद। इंडिया गेट के पास ग्रैंड कैनोपी में किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित हुई है? अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा इंडिया गेट के पास स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही उत्तर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? सही उत्तर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है 2025 तक भारत में टीबी मुक्त बनाना, यानी भारत को टीबी मुक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में पांचवें सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सही उत्तर होगा सुनील छेत्री। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, सुनील छेत्री किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है? सही उत्तर होगा मंगल ग्रह। किस राज्य में भारत की पहली स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च की गई है? सही उत्तर होगा पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस विक्रांत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? राइट आंसर होगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के पहले विमान वाहक पोत का नाम क्या है? सही उत्तर होगा विक्रमादित्य। भारत के राष्ट्रपति अपनी सरकारी छुट्टी किस बिल्डिंग में बिताते हैं? राइट आंसर होगा शिमला में रिट्रीट बिल्डिंग, जो कि भारत का राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A23 गेमिंग ऐप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सही उत्तर होगा शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य विमान पोत को भारत ने किस देश से खरीदा था? सही उत्तर होगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने शिक्षकों को पुरस्कार दिए? सही उत्तर होगा 46 शिक्षकों को। भारतीय सेना में पहली महिला लड़ाकू विमान चालक कौन बनी है? राइट आंसर होगा अभिलाषा बराक। ये भारतीय सेना में पहली महिला लड़ाकू विमान चालक हाल ही में 2022 के अंदर ही बनी है। लंदन से चोरी हुई बेंटली कार किस देश के गैराज में पाई गई है? राइट आंसर होगा पाकिस्तान गैराज। अभी हाल ही में चर्चाओं एवं न्यूज़ों में काफी चर्चाओं में रहा ये बेंटली कार जो पाकिस्तान गैरेज में मिली।
अगला क्वेश्चन है, लड़ाकू अभ्यास किन देशों के बीच शुरू होने वाला सैन्य अभ्यास होगा? राइट आंसर होगा भारत और जापान, जो कि 2023 में इसकी शुरुआत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जोड़ो यात्रा अभी हाल ही में कब शुरू किया गया? इसका राइट आंसर होगा 8 सितंबर 2022। भारत जोड़ो यात्रा कहां से शुरू किया गया है? सही उत्तर होगा कन्याकुमारी, जो कि साउथ के दक्षिणतम बिंदु है, वहीं से शुरू किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत जोड़ो यात्रा कितने किलोमीटर पैदल तय करेगी? सही उत्तर होगा 3,570 किलोमीटर, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक निर्धारित किया गया है। ऐसे ही करंट अफेयर और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।